वेलकम मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लें कि सेंटेंस होता क्या है। तो जो शब्द होते हैं, शब्दों को मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं। अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाने के पश्चात जो भी वाक्य बनता है वह सेंटेंस वाक्य कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, अर्थात शब्दों का समूह क्या बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है, एक वाक्य बनाता है। शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए और जो वाक्य बनेगा वो भी अर्थपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि शब्दों को मिलाने से ही वाक्य बनता है, उसका एक अपना निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। अब ये तो वाक्य की परिभाषा हो गया। अब ये जान लीजिए कि वाक्य को या जो सेंटेंस होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वाक्य को या सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे लिखा गया है मोहन इज गोइंग टू हाटा, मोहन इज गोइंग टू हाटा, तो ये हमारा क्या है, ये वाक्य बन गया। ये क्या है, ये वाक्य बन गया या सेंटेंस है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मान लीजिए फर्स्ट भाग सब्जेक्ट हो गया और बाकी जितना ये बच जा रहा है इसको हम प्रेडिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी जो शेष होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो अब इसको परिभाषा कैसे करेंगे, ठीक, वाक्य में जो काम करता है, ठीक, जिस जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जिसके द्वारा काम किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है, या वाक्य में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या वाक्य में जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। ये तो सब्जेक्ट की परिभाषा इसका हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की परिभाषा हो गया। अब प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट करता है, प्रेडिकेट विधेय। अब इसकी परिभाषा क्या होता है प्रेडिकेट के बारे में, अब वाक्य में जो काम करता है, ठीक, जो काम करता है उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उस वाक्य में वो प्रेडिकेट होता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्य में जो काम करने वाला होता है अर्थात कर्ता, कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उस वाक्य में वह क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। वह क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, उसको हम विधेय कहते हैं, और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं हिंदी में, उसको हम विधेय कहते हैं। तो ये तो हो गया वाक्य के क्या हो, भेद, वाक्य के भेद। अब ये जानेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका हो जाएगा इंटरगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी जो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस इसकी डिफिनेशन क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो असर्टिव सेंटेंस, जब कोई वाक्य, असर्टिव मतलब सकारात्मक साधारण वाक्य, जब किसी वाक्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, उसका जो भी भाव उत्पन्न होता है वही वाक्य कहलाता है, वही असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक। ये तो हो गया साधारण वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, जब किसी वाक्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक, या उससे जो भी भाव उत्पन्न होता है उस वाक्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे मोहन जाता है, ठीक, जैसे मोहन जाता है, मोहन गोज टू, मोहन जाता है, ठीक, तो ये हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस, उसी वाक्य को जब हम अस्वीकार करेंगे, ठीक, जब अस्वीकार करेंगे अर्थात अस्वीकार से संबंधित जो भाव उत्पन्न होगा वह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जब उसको हम अस्वीकार करेंगे या अस्वीकार से संबंधित जो भाव उत्पन्न होगा उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल, जैसे मोहन नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू, मोहन नहीं जाता है या मोहन अपने घर नहीं जाता है, तो मोहन डज नॉट गो टू होम, मोहन डज नॉट गो टू हिज होम, वो मोहन अपने घर नहीं जाता है। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जो वाक्य है इसमें, ठीक, अस्वीकार करने की भावना इस वाक्य में उत्पन्न हो रही है, ठीक, अस्वीकार करने की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अर्थात कुल मिलाकर के जब वाक्य में नकारात्मक का भाव उत्पन्न होगा तो वही नेगेटिव सेंटेंस होगा, जब सकारात्मक का भाव उत्पन्न होगा, स्वीकार करने से संबंधित भाव उत्पन्न होगा, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, उसके बारे में जिक्र। अब अगला आप देख लीजिए इंटरगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने से संबंधित भाव उत्पन्न होता है, ठीक, वह इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। जब किसी वाक्य में या वाक्य से
या वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता हो या भाव उत्पन्न होता हो या भाव प्रदर्शित होता हो तो उसे वाक्य क्या होता है, इंटरगेटिव वाक्य होता है, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे तो एग्जाम्पल उसका हम लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे जैसे डू यू गो, जैसे आएगा डू यू गो, डू यू गो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक। डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इसका हो जाएगा क्या तुम जाते हो, ठीक। ये क्या से प्रारंभ होगा, इसका होगा आप क्या करते हैं, ठीक। ये है इंटरगेटिव, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी का जो वाक्य होगा इंटरगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक यस या नो टाइप का होता है, दूसरा डब्ल्यू एच टाइप का होता है। यस या नो टाइप में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, इस तरह वाक्य होते हैं। इसको बनाने के लिए या इसका ट्रांसलेट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट से पहले ला दिया जाता है। अब यहीं पे डब्ल्यू एच टाइप का जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, इन वाक्यों के बीच में डब्ल्यू एच टाइप के शब्द आते हैं, जैसे तुम क्यों जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे हो, तुम कब आते हो, तो ये जब कब कैसे क्यों कहाँ, ये जो शब्द आएंगे या इंटरगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक। व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटरगेटिव वर्ड होते हैं, इंटरगेटिव शब्द होते हैं, ठीक। तो ये तो आपका सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। तो इस वाक्य में या इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में भाव यह उत्पन्न होता है, इसमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, ठीक, का भाव उत्पन्न होगा जब किसी वाक्य में, या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य से हमको आदेशात्मक, ठीक, या प्रार्थनात्मक, प्रार्थना से संबंधित, ठीक, या सुझाव से संबंधित, ठीक, या प्रार्थना से संबंधित, निवेदन से संबंधित, रिक्वेस्ट से संबंधित, आर्डर से संबंधित भाव उत्पन्न होगा, ठीक, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत है कि ये हमेशा इसके वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, और वर्ब की प्रथम अवस्था रहेगी, और इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता, इसमें यू छिपा रहता है। जैसे सिट डाउन, जैसे सिट डाउन, गो देयर, जैसे गो देयर, प्लीज ब्रिंग मी वन ग्लास ऑफ वाटर, गेट आउट। तो इस प्रकार जो वाक्य होते हैं तो वर्ब से स्टार्ट होता है और क्रिया की प्रथम अवस्था में होते हैं, इसमें यू छिपा रहता है। किसमें, किस वाले वाक्य में, इंपरेटिव वाले वाक्य में, इंपरेटिव से संबंधित जो वाक्य रहते हैं इसमें, इस प्रकार के वाक्य में। अगला हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जब हमारे हृदय से या इंटेंसिव वर्ड अर्थात जो उत्तेजना से संबंधित जो वाक्य अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारे अंदर से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, वो उस प्रकार के जो वर्ड होंगे या वाक्य होंगे वो एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हुर्रा आई हैव वन, हुर्रा आई हैव वन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज, इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। हुर्रा हो गया, एलास हो गया, ओ हो गया, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगता है, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको एग्जांपल में बगल में दिखाई दे रहे हैं। अगला ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, इसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे वाक्य इस प्रकार के होंगे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू गो टू हेल, मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, ठीक। इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक। इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो कुल मिलाकर के सेंटेंस को दो भागों में रखा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।